क्या तुम लोग भी जूमिंग एनिमेशन मॉड चाहते हो? हाँ। लेकिन तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिल रहा? हाँ। इसलिए तुम मेरी वीडियो पे आए हो? अरे हाँ भाई हाँ। तो तुम एकदम सही प्लेस पर आए, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें ऐसा मोड दूंगा, ऐसा मोड दूंगा। आगे क्या बोलना था? हक दिया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मुर्गा चैम्स। तो आज इस पे मैं फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो बना रहा हूँ, एंड मैं आज तुम लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ जूमिंग एनिमेशन मॉड फॉर क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं भाई। वीडियो शुरू करने पहले अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, 100 सब्सक्राइबर जल्दी से रीच करना, सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मॉड कैसे वर्क करता है। उसके लिए तुम्हें पहले एक नॉटिलस शेल चाहिए होगा। तो जैसे कि दूसरे मॉड में तुम्हें स्टिक चाहिए, तो इसमें नॉटिलस शेल चाहिए होता है। बाकी मैं बताऊंगा इसको हाइड कैसे करना है, कैसे कुछ करना है। पहले देख लो सिंपल स्टेप, इसको लोगे तुम जैसे ही और इसे क्राउच करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे जूम होने लग जाएगा, और एकदम सिंपल स्मूथ एनिमेशन के साथ। तुम्हें जूम करने के लिए यहाँ पे क्राउच बटन होगा, उसको दबाना पड़ेगा। और जब तुम इसे हाथ में लेकर क्राउच करोगे, जब भी तुम्हारा जूम होगा, अगर वैसे करोगे तो तुम्हारा जूम नहीं होगा। तो मैं इसे थर्ड पर्सन में भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो कितना मस्त एकदम जूम एनिमेशन लग रही है, तो एकदम ओपी लगता है। और तुम इसे लेफ्ट हैंड में भी पकड़ सकते हो, तो ये देख रहे हो एकदम, मतलब तुम राइट हैंड से कुछ भी कर सकते हो। तो ये नहीं कि तुम्हें इसे पकड़ के रहना पड़ेगा। तो चलो अब उस बात पे बात करते हैं कि इसको हाइड कैसे करना है। तो नॉटिलस शेल हाइड करने के लिए तुम्हें अपने यहाँ पे पहले एक वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे वर्ल्ड को क्रिएट करता हूँ, पहले से मैं क्रिएटिव कर लेता हूँ, ठीक है। तुम सर्वाइवल रख लेना जो तुम्हें रखना है। तो यहाँ पे तुम्हें एक बिहेवियर पैक का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाकर तुम इसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। इसे एक्टिवेट कर दो, बस तुम्हारा एक काम हो चुका है। यहाँ पे ये तुम्हारा जूम हो जाएगा, बट अब नॉटिलस शेल को हाइड करना है। तो यहाँ पर टेक्सचर पैक में जाओगे, बस इसको एक्टिवेट कर देना है यहाँ से। तो क्या होगा, नॉटिलस शेल का जो अपने जो टेक्सचर पैक होगा वो चेंज हो जाएगा दूसरे उसमें। तो मैं तुम लोगों को अभी जाके दिखाता हूँ। देख रहे हो अभी तुम लोगों को मेरे हाथ में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर जैसे ही तुम्हें दिखाऊंगा तो यहाँ पर तुमको एक डॉट दिख रही होगी। इसको जैसे मैं टैप करूँ दिख रहा होगा नॉटिलस शेल। तो रिसोर्स पैक मतलब टेक्सचर पैक एक्टिवेट करते वो हट चुका है, एंड मैं यहाँ पे नॉर्मल दूसरे उससे क्राउच करूँ तो नहीं होगा। लेकिन इसको पकड़ूंगा तो यहाँ पे नॉटिलस शेल हमने पकड़ा हुआ है, तो ये क्राउच हो रहा है। तो आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।